भाई पीछे कर ले, गिर जाएगी नीचे। 12 साल में एक बार वहाँ पे बिजली गिरती है और जो भगवान जी का जो शिवलिंग है वो उसके टुकड़े हो जाते हैं बिजली गिरने से। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं अभी जाने वाला हूँ बिजली महादेव। बाइक मैंने ऊपर क्लीन कर दी है, चेन लूप कर दी है और मैं एक बैकपैक लेके जाऊंगा अपने साथ में, हेलमेट ग्लव्स और बाकी सामान वापिस आने के बाद ही लेके जाऊंगा। सो चलते हैं गाइस। ये खड़ी है अपनी बाइक। सो गाइस बिजली महादेव का जो मैंने मैप तो लगा लिया है, डिस्टेंस बता रहा है 26 किलोमीटर। चलो भाई, और ठंड जो है ना बहुत तीखी है, सुई की तरह चुभ रही है। ठीक है भाई, मुझे लेफ्ट जाना है। ओके, टाइम अभी हो चुका है 7:22 और पहाड़ियों पे ना धूप हल्की हल्की निकल आई है। कोई दुकान नहीं खुली है सुबह सुबह, कहीं चाय की दुकान खुली हो तो मजा आए, चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ से ना चढ़ाई हो गई है स्टार्ट, मैंने हाईवे छोड़ दिया है और लेफ्ट टर्न लिया है। अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर बता रहा है और देखते हैं कहाँ तक, उसके आगे कितना पैदल चलना पड़ेगा। 3.6 किलोमीटर के बाद फिर से मुझे लेफ्ट टर्न लेना, कहीं बस स्टार्ट होगी स्कूल की सुबह सुबह। रोड ठीक ही है अभी तक, और देखो भाई पहाड़ कितने बड़े लग रहे हैं, बिल्कुल पर इन पहाड़ों की ना चोटी तक जाना है मेरे को। और यहाँ पे कुछ मिल सकता है, चाय पानी, और वही मैं देखना चाहता हूँ कि मिलता है या नहीं मिलता है। चाय मिलेगी भाई? सो चलो रुकते हैं चाय के लिए। हाँ हाथ गर्म करने हैं, नहीं सर्दी वैसे नहीं, हाथ ही गर्म करने, हाथ हो गए ठंडे। चाय बना दीजिए, चाय भी नहीं है। सो गाइस चाय पी ली, अभी निकलते हैं। और यहाँ से 14 किलोमीटर है। अभी पूछा भी मैंने कि कोई बोल रहे हैं थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, कोई बोलते हैं रोड खराब है, कुछ खराब है, तो खुद ही चल के देखते हैं। इस जगह का नाम पार्वती वैली है। ऊपर नेटवर्क रहता है। अभी हमें ये ब्रिज क्रॉस करके उधर जाना है, सीधा नहीं जाना है। चलो अच्छा है, ध्यान दे दिया मैंने। तीन सौ मीटर के बाद फिर लेफ्ट लेना है। जो बिजली महादेव जी का जो मंदिर है ना, बोलते हैं कि 12 साल में एक बार वहाँ पे बिजली गिरती है और जो भगवान जी का जो शिवलिंग है वो उसके टुकड़े हो जाते हैं बिजली गिरने से, और जो मंदिर के पुजारी हैं फिर उसको जो मक्खन के साथ लपेट के जोड़ देते हैं उन टुकड़ों को, और ओवर द टाइम पीरियड वो फिर से जुड़ जाते हैं आपस में। बस आई है भाई, वो नीचे से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, वो नीचे से जो गाड़ी आ रही है वहां से चल के आ रहा हूं मैं। बस भी आई है इधर। सो गाइस रोड ना बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो चुका है सच में, हर लेवल थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता जा रहा है। सही जा रहा हूँ क्या?
कोई मिल भी नहीं रहा ना, पूछ लूँ उससे। इनसे पूछते हैं। ये बिजली महादेव का रास्ता कितनी दूर है? और 4 किलोमीटर? हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी। बस टर्न मेरे को थोड़े से ना डरा रहे हैं। हाँ, स्लिप कर रही बाइक। ओह भाई, अगर ये चढ़ी गई ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। So, बिल्कुल खतरनाक चढ़ाई है। हाँ भाई साहब, चढ़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऊपर मोड़ भी है। बस यहाँ पे एक ही अच्छी बात है कि लूज ग्रेवल नहीं है यहाँ पे। भाई पीछे कर ले, गिर जाएगी नीचे। हाँ, मेरे को लगता है ये रोड तो सच पास से भी खतरनाक है, डेंजरस।
यहाँ से 900 मीटर और तक रोड है आगे, बट रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आगे। सो मैंने बाइक कर दी है पार्क इधर वहाँ पे। सो यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा, तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे मेरे ख्याल से। अभी टाइम हो चुका है 8:56, सो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। रोड छोड़ के ना ये पगडंडी वाला रास्ता मैंने पकड़ लिया है, ये देखो ये रास्ता है पगडंडी, ये गांव के बीच में से। मैं लास्ट 25 मिनट से चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और मंदिर शायद 20 मिनट का समय और लगेगा मंदिर तक पहुँचने में। कहीं कोई निशान नहीं है, मार्किंग नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है कि मंदिर का रास्ता कौन सा है। ये मॉडरेट ट्रैक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है पर मॉडरेट है, इजी भी नहीं है। ट्रैक में टाइम लगता है, ये धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते, सो धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। दस बजे तक शायद मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर। मैं जो बना हुआ एक रास्ता है पगडंडी, ये जो पगडंडी दिख रही है इसी को फॉलो कर रहा हूँ। बोर्ड तो कोई नहीं दिख रहा है नीचे तक एक दो, हाँ मार्किंग तो थी मंदिर, मंदिर का रास्ता, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। सो इसी को फॉलो करूँगा मैं, बट ये जंगल के बीच में जा रहा है, प्रॉब्लम है। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ बिजली महादेव। लगा रखे हैं फूल, लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों साइड। सो गाइस दर्शन कर लिए बिजली महादेव जी के, और नीचे देवदार के, नीचे जो देवदार के पेड़ हैं और सामने जो पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं वापस जा रहा हूँ भाई नीचे जल्दी से। अभी विद इन हाफ एन आवर मैं बाइक जहाँ पार्क की है वहाँ पहुँच जाऊँगा, और फिर वहाँ से तो फिर रास्ता थोड़ा सा टफ है, 5 to 6 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, तो वो जस्ट हो गया, तो उसके बाद तो फिर इजली मैं नीचे पहुंच जाऊंगा जाके। सो गाइस ऑलमोस्ट नीचे आ गया हूं, नीचे विलेज दिखने लगा है। सो उतर ली मैंने, बस ये जंगल का रास्ता ख़त्म है, फिर कोई टेंशन नहीं आ गई, विलेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जी पहुंच गए नीचे। तो यहाँ से जंगल की चढ़ाई स्टार्ट थी, ऊपर तक जंगल ही है और इसके नीचे विलेज है। विलेज में भी थोड़ा सी चढ़ाई चढ़ के आया था मैं, 500 की मीटर चढ़ी होगी जहाँ बाइक खड़ी की थी। विलेज पूरा दिख रहा है नीचे, तो यहाँ से चल देते हैं नीचे। सो गाइस फाइनली मैं नीचे पहुँच गया जहाँ मेरी बाइक खड़ी है, और यहाँ से आगे मैं बाइक से जाऊँगा। बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना कोई तिनका भी नहीं हिलता है, वो वैसे ही है। बिजली महादेव जी की आज्ञा थी, शो मैं उनके दर्शन कर पाया।
गाइस अभी यही मैंने चाय वगैरह अभी जा रहा हूँ अपने रूम पे। थैंक यू भाई। सो चलते हैं होटल पे। शो आ गया अपना स्टे इन। सो गाइस मैं पहुंच गया हूं वापस रूम में और लोग को यहीं एंड करते हैं और आप सभी से मिलूंगा कुल्लू सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।